तैयारियां पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया है। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं लेकिन बाबा का पता नहीं है। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिनों में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा नियारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे ही पता लगा उसकी पोल खुल रही है तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहते बोरिया बिस्तर बांधा, फिर कहां गया किसी को कुछ नहीं पता। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ, दो दिन हो गए मेरे गाये हुए, तो बाबा जी भी आपको यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो दो दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ, तो आज तीसरा दिन है तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगा। यहाँ पे जवाहर राठौर मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या थी? बच्चे को फेट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4th दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। तो मेरे फादर को फेरालसिस था, तो हम यूट्यूब में चैनल में देखा था, इधर आया था, तो आए हुए 3 दिन हुआ। बाबा बोला कि पहले 5 दिन का कैंप है, तो बाद में बोल रहा है कि अभी 3 दिन में मैं ये कर दिया, ऐसे बोल के बोल रहा है, अभी हम लोग वापस चले जा रहे हैं। सुना आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग ला इलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव आए, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब YouTube में इन्हें इस कंबल वाले बाबा के बारे में पता चला तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ आकर इनकी आंखें खुल गईं। दरअसल ये कंबल वाला बाबा पिछले 24 दिनों से पालड़ी एम गांव में अपना डेरा जमाए हुए था और दावे के साथ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निःशुल्क इलाज करता था, लेकिन कैंप में दान पात्र के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह QR कोड के स्टैंड भी लगाए गए थे। यहां आने वाले लोगों से भंडारे के लिए चंदा मांगने का काम लाउड स्पीकर से किया जाता था। बाबा की भाषा में ही हिसाब लगाया जाए तो यहां कुल 9 लाख लोग आए और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडारे के लिए 100 रुपए भी दान किया हो तो करीब 9 करोड़ रुपए तो चंदे के रूप में आए। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दावे के मुताबिक फायदा ना होने पर लोगों में कानाफूसियां शुरू होने लगी। जब बाबा को लगा कि पोल खुलने लगी है तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले उसने कहा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ लोगों को वो खाने पीने और रहने की सुविधा दे सकें। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हज़ार आदमी आने लग गया, तो लोगों के मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 20 हज़ार आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हज़ार आदमी आए तो और लोग आ रहे हैं, तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था वो मैंने 31 तारीख को बंद कर दूँ, 31 तारीख का कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। बाबा का फिलहाल ठिकाना कहाँ है इसका पता किसी को नहीं। बाबा ने खुद दावा किया है कि उनके कैंप में पिछले 24 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग आए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है और अगर बाबा ने इस आयोजन की मंजूरी ली थी तो प्रशासन के पास बाबा की पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज तक क्यों नहीं है। जिम्मेदार इसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कोई साधु महात्मा आए हैं और वो विकलांगों का इलाज वगैरह कर रहे हैं, तो कितना इलाज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली है। हम लोगों ने उनको बोला है थाना अधिकारी को और वो इस बारे में पूरी तहकीकात करके शीघ्र ही बताएंगे। यदि कोई अवैध तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत पाली प्रशासन पर सटीक बैठती है, क्योंकि अब जब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो वो केवल कागजों पर ही होगी, क्योंकि बाबा तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और गए कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे
कम हो रहा है। राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर इनकी सुध लेना तो दूर, पानी पिलाने में भी नाकाम है। जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सावता गांव में बड़ी संख्या में ऊंट विचरण करते हैं, लेकिन कई दिनों से यहां पानी का संकट है, जिस कारण ऊंट प्यासे मर रहे हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। Yeah.